कई बार क्या होता है कि हम गैस पे चावल को चढ़ा के भूल जाते हैं और हमारे चावल जल जाते हैं। तो आज वरदान पकवान लेके आया है आपके लिए ऐसी किचन टिप्स जिससे आपके चावलों में जो जली हुई स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी। इसके लिए ले लेंगे हम सबसे पहले एक प्याज। प्याज को सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि हमें छिलके सहित प्याज लेना है और प्याज को इस तरह से चार भागों में कट कर देना है। अब हम कटे हुए प्याज के चारों पीस को चावल के अंदर डालेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। लगभग 15 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल देंगे और अपने चावलों को एक बार चेक करेंगे। अब हम किसी चिमटे की सहायता से प्याज के टुकड़ों को चावल से अलग कर देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्याज हमारा आधा गल गया है। इस तरह प्याज के टुकड़े चावल में रखने से प्याज में जो जली की स्मेल आती है वो निकल जाती है और चावल हमारा खाने लायक हो जाता है।